चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। तुम्हारी ये जगह हाईवे के अंदर जारी है, तो हमने उनको अपना बैनामा दिखा दिया था। मैं इतनी परेशान हूँ, फिर मुझे हर टाइम ज्यादा में आओ तो फिर मेरा बीपी हाई हो जाए, मैं डिप्रेशन में हो जाऊँ। फिर मोदी जी एक तरफ इतने मंदिरों का निर्माण करा रहे, इतना इतना पैसा लगा रहे, और यहाँ मंदिर को उठाने की बात चल रही। कहानी इस तरह से है कि करीबन 2.5 साल 3 साल पहले पटवारी आए थे, क्या नाम है उनका, यतेंद्र सिंह पटवारी आए थे, और उन्होंने हमें ये बताया था कि तुम्हारी ये जगह हाईवे के अंदर जारी है, तो हमने उनको अपना बैनामा दिखा दिया था। उन्होंने कुछ रिश्वत चाही, वो हमने मना कर दी थी कि भाई हम रिश्वत नहीं देने कि इस मामले में आप जो है, तो उन्होंने जाते जाते ये कहा था कि तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यहाँ निशान लगा रखा था लेकिन वो तोड़ दिया। अच्छा जी, इस कंधे से ऐसे था। ठीक है, ऐसे तो ये पूरा का पूरा मंदिर जा रहा है इसमें। हाँ, ये पूरा मंदिर जा रहा है, ये सारी जगह घर की जगह। देखो किस तरह से हमारा रास्ता खराब कर खाने जाने का, जरा सा रास्ता छोटा आने का केवल ताकि इसीलिए चोट लगती है, परेशानी होती होगी। देखो आप, बारिश भी है, धूल भी है, और ये यहाँ पे हम सब जाना सारा रास्ता बुलडोजर सकते थे। उसके लिए कोई मुआवजा या कुछ ऐसी कोई सुविधा की है प्रशासन ने आपको? प्रशासन चाहता है कि हम टोटल 35 लाख रुपए मंदिर प्लस जगह के, हमारा अंडरग्राउंड बेसमेंट बना हुआ आगे गेट पे ही, उसके कुल 35 लाख रुपए उठा के और हमें जगह दे दे, मंदिर हटा ले और बाकी के लिए मुकदमा लड़ लें। पैसा हमारा जो बैठता है हिसाब से, उसका हमने आर्बिट्रेशन DM साहब के यहाँ डाल रखा है। उन्होंने उसको आज 2 साल से ना रिजेक्ट किया ना उसको पास किया, बस हमें चक्कर कटा रहे, दुखी कर रहे, उसके हिसाब से हमें मिलना चाहिए। करीबन 1.5 करोड़ रुपया हमारा बैठता है हमारे हिसाब से, जो आर्किटेक्चर है उनके हिसाब से, हमारे वकील के हिसाब से वो बैठता है, वो हमें मिलना चाहिए। दे किस हिसाब से रहे हैं, कोई आपको ऐसी? ये खेती का पैसा दे रही, हमारा कॉमर्शियल बनता है यहाँ पे, ये खेती के हिसाब से पैसा दे रही, वो भी कुल 43 या 44 मीटर का, जबकि हमारा 325 मीटर जगह जा रही है। एक महिला है और महिला होने के नाते आपको कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा, मैं पैर से भी परेशान हूँ, 2 बार मुझे पैरालिसिस भी आ चुका, मेरा देखो पैर का अंगूठा भी कटा हुआ है। अच्छा, और मैं उनसे खुद कह चुकी, मैंने कहा भी मैं इतनी परेशान हूँ, फिर मुझे हर टाइम ज़्यादा में आऊँ तो फिर मेरा BP हाई हो जाए, मैं डिप्रेशन में हो जाऊँ, फिर मैं ना घर का काम कर सकती ना मैं कुछ कर सकती। जैसे कि अब करवा चौथ थी, CO दफ्तर में मुझे उस दिन बुलाया गया, फिर 17 तारीख की हुई थी, हुई वाले दिन मुझे ADM के यहाँ बुलाया गया, और नोटिस भी मुझे केवल 2 घंटे पहले मिलता है। जैसे कि मुझे 9 बजे 10 बजे बुलाया जाता है तो मुझे 8 बजे नोटिस मिलता है कि आपको DM के यहाँ जाना है, तो ये ADM के यहीं जाना है, SDM भेजते हैं तो उनका ये तरीका थोड़ा ही है। और मैंने पुलिस वाले से भी कहा, मैंने कहा भैया अगर आप मेरे पति का नाम गलत लिख रहे, अगर मैं नाम लूँ इस नोटिस को तो फिर आप क्या करोगे? मैं लिखती नहीं, क्योंकि मैं
मैं जिसकी पत्नी उसने लिखा मैं उसकी पत्नी हूँ नहीं, लेकिन उन्होंने दे दिया फिर भी जबरदस्ती। और अगले दिन भी फिर देखो रात के 5:30 बजे पुलिस वाला मुझे नोटिस दे कर गया और अगले दिन सुबह ही फिर उसका पेशगार दे कर गया। SDM तो ये कोई तरीका थोड़ा ही है इनका, दो घंटे पहले SDM कैराना का इतना गंदा व्यवहार है, इतना गंदा व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ, इतना टॉर्चर कर रहे हैं हमारा कि हम बयान नहीं कर सकते आपसे। आज के समय में योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में वे इतना कर रहे हैं, हमें उम्मीद नहीं थी। मोदी जी एक तरफ इतने इतने मंदिरों का निर्माण करा रहे, इतना इतना पैसा लगा रहे, और यहाँ मंदिर को ढाने की बात चल रही, बिना पैसा दिया ढाने की, तो कम पैसा देकर ढाने की बात चल रही जबरदस्ती, जो बताओ कहाँ है फिर से। अब बताओ 11 लाख में कहीं मंदिर अंडरग्राउंड बन जाएगा, जबकि हमने अपने आर्किटेक्चर से 16.5 लाख रुपए का 2 साल पहले इनको बनवा के दिया था, आज यदि लगाएं तो होर्स में 2-4 लाख रुपए ज़्यादा ही लगेंगे।